चाणक्य समसामयिकी विशेष में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है प्रोजेक्ट लायन। इस विषय के अंतर्गत हम देखेंगे कि यह चर्चा में क्यों है, प्रोजेक्ट लायन क्या है, इससे क्या लाभ होंगे, एशियाई शेरों के बारे में बात करेंगे और अंत में इस विषय से संबंधित प्रश्न पर विचार करेंगे। यह विषय चर्चा में क्यों है, प्रोजेक्ट लायन के तहत कोनो पालपुर वन्य जीव अभ्यारण्य के अलावा 6 नए पुनर्वास स्थलों की पहचान की गई है। इस प्रकार इस प्रोजेक्ट में वर्तमान में 7 स्थलों की पहचान हो चुकी है। नए स्थल जिन्हें सम्मिलित किया गया है उनमें माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान, मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व राजस्थान, गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश, कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान, जैसोर बलराम अंबाजी वन्य जीव अभ्यारण्य और निकटवर्ती क्षेत्र गुजरात शामिल है। प्रोजेक्ट लायन क्या है? 15 अगस्त 2020 को भारतीय प्रधानमंत्री ने प्रोजेक्ट लायन का शुभारंभ किया, जिसमें एशियाई शेर और इसके परिदृश्य का समग्र रूप से संरक्षण शामिल है। यह प्रोजेक्ट एशियाई शेर के संरक्षण के लिए शुरू किया गया है, जिसकी अंतिम शेष जंगली आबादी गुजरात के एशियाई लायन लैंडस्केप में है। इसमें शेर के परिदृश्य के आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले स्थानीय समुदायों को शामिल किया जाएगा और आजीविका के अवसर भी प्रदान किए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट के लाभ क्या होंगे? प्रोजेक्ट लायन के जरिए आवास विकास को बढ़ावा मिलेगा। लायन प्रबंधन में आधुनिक तकनीकों का प्रयोग होगा। उन्नत विश्वव्यापी अनुसंधान और पशु चिकित्सा देखभाल के माध्यम से लायन और उससे जुड़ी प्रजातियों में बीमारी के मुद्दों को भी संबोधित करेगा। यह परियोजना मानव वन्य जीव संघर्ष की समस्या को भी हल करेगी। अब बात करते हैं एशियाई शेरों के बारे में। यह अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ अर्थात IUCN की रेड सूची के अंतर्गत संकट ग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध है। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अनुसूची 1 में सूचीबद्ध है। भारत के गुजरात राज्य तक ही एशियाई शेरों की आबादी सीमित है। यह मुख्य तौर पर गिर के जंगलों और जूनागढ़, अमरेली तथा भावनगर जिलों में पहले कुछ अन्य संरक्षित क्षेत्रों में पाए जाते हैं। शेरों की आबादी गुजरात के लगभग 30,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाई जाती है और इसे एशियाई शेर परिदृश्य अर्थात एशियाटिक लायन लैंडस्केप ऑल कहा जाता है। आज का प्रश्न है एशियाई शेरों से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, एशियाई शेर IUCN की रेड सूची के अंतर्गत संकट ग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध है। कथन दो, ये भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अनुसूची 2 में सूचीबद्ध है। निम्न में से असत्य कथन है, विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, विकल्प डी ना 1 ना ही 2। कमेंट सेक्शन में आप सभी के जवाब का इंतजार रहेगा। पिछले वीडियो में जो प्रश्न पूछा गया था उसका सही जवाब है विकल्प बी। इसके साथ ही इस वीडियो को हम विराम देते हैं, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट।